अस्सलाम वालेकुम, आई एम जाहिद यार खान। ये मैं अपनी सिस्टर वहीदा अंजुम को लेके यहाँ आया था। एक्चुअली शी वॉज हैविंग ए प्रॉब्लम इन हिज कॉक्सिट। तो जबलपुर में हमने बहुत से डॉक्टर्स को कंसर्न करा, ऑर्थोपेडिक को भी दिखाया, इवन वाई आर यादव जो बहुत रिनाउंड डॉक्टर्स हैं उनको भी दिखाया। बस सब ने ये बोला कि इसकी सर्जरी होना है, सर्जरी होना है। देन मेरे ब्रदर इन लॉ जो अवार्ड में मैनेजर हैं उनसे डॉक्टर फैजान मोहम्मद फैजान अहमद का एड्रेस मालूम हुआ। तो जब हम यहाँ आए तो वेरी फर्स्ट टाइम उन्हें बिना एक्सरे देखे वही देखे उन्होंने बता दिया कि आपकी तकलीफ इज़ ड्यू टू फॉर स्लिप डिस्क है। और जो ये प्रॉब्लम जो थी डॉक्टर जबलपुर में कोई डॉक्टर जितनी रिनाउंड डॉक्टर्स थे 5-6 को कंसर्न करा था मैंने, वो कोई बता नहीं पाए थे। देन आफ्टर दैट फिर उन्होंने वो MRIs वगैरह देखी तो उन्होंने बोला कि इनकी एक्चुअली कॉक्सिट में प्रॉब्लम जो हो रहा है वो इनकी स्लिप डिस्क के कारण हो रहा है। देन उन्होंने वो अपना MRI करवाई और उन्होंने वही रिजल्ट बताया। फिर देन उन्होंने ट्रीटमेंट चालू करा, बोला इसमें ट्रीटमेंट यही है जो एक्सरसाइज बताई है, कुछ मेडिसिन दी है, तो उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ ये 3-4 महीने के अंदर। मतलब ये तो पहले ये थी कि बिल्कुल बैठ नहीं पाती थी, शी हैव टू सीटेड ऑन अ ट्यूब, और बैठने में तकलीफ थी, बैठती नहीं थी, नमाज नहीं पढ़ पाती थी। फिर डॉक्टर ने बोला कि ये सब आप रिमूव कर दो, वेस्टर्न छोड़ के आप इंडियन यूज़ करें, नमाज जो रेगुलर पढ़ती हैं पढ़ें। आपको पहले कुछ तकलीफ बढ़ेगी 15-20 दिन के लिए, लेकिन आप बिल्कुल उससे परेशान मत हो। तो वैसे ही हम लोगों ने करा जैसे डॉक्टर ने एडवाइस करा था, तो उनकी तकलीफ बढ़ी लेकिन ग्रेजुअली वो धीरे धीरे तकलीफ ठीक हो गई। नाउ शी इज़ ऑलमोस्ट 90% रिकवर कर चुकी हैं। और अभी डॉक्टर के पास थर्ड टाइम आए हैं तो उन्हें देखा है, रिव्यू करा है कि बोले आपकी ज़रूरत नहीं है, बाकी आप अपना जो ट्रीटमेंट आपका जो बचा है वो एक्सरसाइज है जो डॉक्टर ने हमको एडवाइस करी है वो हम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह का शुक्र है अच्छे डॉक्टर मिल गए, सब अल्लाह का शुक्र।